हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो गाइस, ईपीएफओ लगातार अपनी सर्विस पे चेंजिंग ला रही है, सुधार कर रही है और अपनी सर्विस को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है ना। ऐसे में एक नया अपडेट हमारे सामने आ रहा है बैंक केवाईसी को लेकर, और भी बहुत सारे अपडेट्स इन्होंने ला के रखा हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग उसे देख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में है केवाईसी को लेकर, चलिए इसमें क्या चेंजिंग किए हुए हैं उसे हम देखते हैं। तो यहाँ मैनेज पे क्लिक करके इस केवाईसी पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊपर थोड़ा सा एक मैसेज लिख कर आ रहा है, नीचे भी यहाँ ग्रीन कलर का लिख कर आ रहा है। तो ऊपर वाला देख लीजिए, एम्प्लॉयर अगर 60 दिन के अंदर आपका अप्रूव नहीं करता है डिजिटली तो उसको इनवेलीडेट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना केवाईसी। और नीचे अगर आप बैंक का केवाईसी कर रहे हैं तो उस समय आपके आधार कार्ड में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। उससे आगे एंटर करना होगा, इसका मतलब एंटर करना होगा तो नहीं लिखा, लेकिन एंटर तो करना ही पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए, है ना। चलिए हम इस बैंक केवाईसी पे क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से यहाँ से आपका नाम ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ अकाउंट नंबर आपको देना है, इस जगह दोबारा से अकाउंट नंबर, यहाँ आईएफएससी कोड देना है और यहाँ से आगे आपको वेरीफाई करने होते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आगे ओटीपी आना चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं आ रहा है। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग और भी वीडियोस हैं देख सकते हैं इस चैनल में, अगर नहीं देखें तो। कोई भी अपडेट्स होंगे तो इस चैनल पर हम इस तरीके से देते रहते हैं, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें जाने का।